मुझे खुश करने के लिए तुम्हें सब कहने की कोई जरूरत नहीं है मंजरी। तो मैं देखती समझ गया था, मैं बेल नहीं हुई। इट्स ओके। वैसे भी इस अनजान शहर में तुम किस किस से मदद मांगती? तुम मुझे कितनी अच्छी तरह जानते हो ना, कि देखते ही मन का हाल बता देते हो। मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती अक्षय। जिंदगी अजीब होती है मंजरी, पता नहीं क्या क्या दिखाती है। मैं कभी सोचता था कि खैर। वैसे रणबीर सर अभी दिल्ली में है, जैसे ही वो वापस आ जाएंगे ना, पैसों की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। पकौड़े लाइयो। बिल्कुल वैसी जैसे तुम्हें पसंद है, तुम्हारी फेवरेट है। तुमने खाए? वैसे जानता हूं मैं तुमने नहीं खाए। तुम देखते ही मन के साथ साथ पेट का हाल भी समझ जाते हो। बैठो मेरे साथ। नहीं अक्षय, सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, गलती मेरी है। I'm sorry. ये तो तुम पहले भी कह चुकी हो, लेकिन शायद वो काफी नहीं था, इसीलिए आज तुम। लेकिन अक्षय, शायद तुमने जो कुछ भी किया बिल्कुल ठीक किया। ऐसी बातें मत करो प्लीज। बस बहुत हो गया मैडम, बाकी बातें कल कर लीजिए। चलती हूँ, कल सुबह आती हूँ। ये बॉटल रख लो।
और इंस्पेक्टर साहब। सर आप कैसे हैं? बढ़िया हैं जी, बिल्कुल ठीक हूँ। लगता है कमिश्नर साहब से बात हो गई आपकी। हाँ सर। वेल, आप कहें तो मैं जरा उस बंदे से बात कर लूँ। हाँ क्यों नहीं, जाइए ना सर। थैंक यू। यो, व्हाट्स अप? क्या बात है, यहाँ पर रात अच्छी नहीं गुजरी क्या? मुझे लगता है तुम्हें ये जगह बहुत पसंद है, इसीलिए बार बार चक्कर काट रहे हो। मुझे जगह पसंद नहीं है, मुझे तुम्हारा ये मजाक करने वाला एटीट्यूड बहुत पसंद है। मजाक तुम कर रहे हो, बताओ यहां क्यों आया हूं? मैं यहां क्यों आया हूं इसका कोई कारण नहीं है। मैं तो बस बैठा हुआ ये सोच रहा था कि तुम यहां इस जेल में पड़े हुए सड़ रहे होगे, तो मुझे जाके तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए, तुम्हारी बेल करानी चाहिए। दास वामिया, मैं अजनबियों की मदद नहीं लेता। सीरियसली, तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हें यहां से निकाल रहा हूं और तुम यहां से जाना नहीं चाहते? एनीवेज, मैं चलता हूँ। तुम्हारे पास मेरा कार्ड तो है ना? यू हैव माई नंबर। अगर तुम्हें ये एहसास हो कि तुम्हें मेरी मदद चाहिए, सो गिव मी कॉल, आई विल बी बैक। ऑल द बेस्ट। नहीं मैडम, मैंने पहले ही आपको उससे दो बार मिलने दिया ना, अब नहीं मिल सकती। प्लीज सिर्फ आज एक और बार मिलने दीजिए, मुझे बहुत जरूरी काम है उससे। मैडम अब जाओ प्लीज, या तो बिल की रकम भरो या फिर कोर्ट में तारीख निकलेगी तब उससे मिल लेना। वो तो पता नहीं कब होगा, लेकिन प्लीज अभी मुझे उससे एक बार मिलने दीजिए। मैं कुछ नहीं कर सकता। हाय, आप अक्षय की फ्रेंड है ना? आम तुषार। तुषार, बार में जो फाइट हुई थी दूसरा बंदा मैं ही था। आप थे वहाँ? आप तो जानते हैं ना अक्षय की कोई गलती नहीं है। आप प्लीज वो पुलिस वाले को बता दीजिए ना। पता है अक्षय कल से अंदर है, अब तो उससे मुझे मिलने भी नहीं दे रहे। सी मंजरी, मैं तो जाके बता दूंगा, लेकिन आपका जो दोस्त अंदर बैठा है वो नहीं बताएगा। आपको कैसे पता कि मेरा नाम मंजरी है, और आप ये कैसे जानते हैं कि मैं अक्षय की दोस्त हूँ? अभी वो पुलिस वाले ने आपका नाम लिया था ना, और साथ ही जब मैं और अक्षय अंदर थे तो उसने मुझे बताया था कि उसकी कोई दोस्त है जो उसे छुड़ाने के लिए आने वाली है, तो मैंने कैसे ऐसे हूँ? अक्षय ने ऐसा कहा? यप। पर आप दोनों की तो लड़ाई हुई थी ना? सी हुई तो थी, बट यू नो एज दे से, रात गई बात गई। और वैसे भी जब मैं कल उसके साथ अंदर बैठा था तो मुझे लगा था कि वो बुरा आदमी नहीं है। पुलिस वालों को वैसे उसे छोड़ देना चाहिए था, ज्यादती तो कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आप मेरी मदद करेंगे? हाँ, व्हाई नॉट। मतलब किसी के साथ सही नहीं हो रहा है, मुझे देख के अच्छा नहीं लग रहा है, सीरियसली। एंड आप इतनी देर से यहाँ बाहर परेशान खड़ी हैं, आई डोंट लाइक इट। थैंक यू सो मच, आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं। वो तो है। मैं जितना जल्दी हो सके आपको आपके पैसे लौटा दूंगी। दैट्स ओके यार, आपको जब चाहे आप दे दीजिएगा, इट्स नॉट अ बिग डील। जो मैं चाहता हूँ उसके सामने तो ये पैसे कुछ भी नहीं है यार। तो चले। क्या हुआ? All well? अक्षय को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। सी, वो तुम दोनों के बीच की बात है, लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे कभी नहीं बताता। और वैसे भी अगर कोई काम हो रहा है तो उसे खामखा क्यों रोका जाए? कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, पर इस बार मैं अक्षय से झूठ नहीं बोलूंगी। पहले भी झूठ बोलने की वजह से हमारे बीच काफी मुश्किलें हो चुकी हैं,
इस बार मैं उससे कुछ छुपाऊंगी नहीं। चले एक्सक्यूज मी, हम यहाँ पर अक्षय शुक्ला की जमानत के लिए आए। और बार में जो तोड़फोड़ की, उसका नुकसान किया, उसका क्या? सर आपका जो कुछ भी है प्लीज हैंडल कीजिए ना, जो भी फॉर्मेलिटीज है प्लीज पूरी कीजिए प्लीज। पटेल की फाइल क्यों नहीं है? मुझे अक्षय शुक्ला से मिलना है। कबीर, कबीर तुम यहाँ? मैं पुलिस वालों को सब सच बताने आया। जिस गलती की वजह से अक्षय को उन्होंने लॉकअप में रखा है, असल में वो उसकी गलती नहीं है, वो मेरी गलती है, इसीलिए उसको छोड़ दिया जाए। वो 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 होल्ड ऑन होल्ड ऑन, आई थिंक तुम बहुत देर कर चुके हो, ठीक है? आपको फायदा नहीं। इसका क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन, मैं क्या मतलब है? तुम केस को और उलझाओगे तो अब हम सब फंस जाएंगे। पुलिस मुझसे सवाल करेगी कि मैंने सच क्यों नहीं बताया, जाके अक्षय से पूछेगी कि वो उसने जबरदस्ती अपने आप को गिरफ्तार क्यों करवाया तुम्हारे लिए। हम तीनों के तीनों एक बेवकूफी की वजह से फंस जाएंगे। हाँ कबीर, तू शर्त सही कह रहे, तुम बात को और बिगाड़ दोगे, और अक्षय के बाहर निकलने का इंतजाम हमने कर दिया है, तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, पता चले तुम भी जेल के। नहीं, तुम यहां से चले जाओ प्लीज। लिसन, अब उसकी बेल हो चुकी है, ओके? अच्छा यही रहेगा कि तुम यहां से चले जाओ। मंजी तुम प्लीज चलो। अक्षय सॉरी, मेरी वजह से ये सब हुआ। कबीर कोई बात नहीं, लेकिन मंजरी तुमने इंतजाम किया कैसे पैसों का? बस ये समझ लो, जब मदद की बहुत जरूरत होती है ना, तब ऊपर वाला मदद के लिए किसी ना किसी फरिश्ते को भेज ही देता है। Don't say that. फरिश्ता नहीं, Well, दोस्त कह सकते हो। मैंने कहा था ना, मैं जो चाहता हूं उसे हासिल करके ही रहता हूं। अक्षय, he is Mr. तुषार, इन्हें तो तुम जानते ही होगे, तुम्हारे बेल के पैसे इन्होंने अरेंज किए हैं। तुषार, थैंक्स अगेन। इट्स ओके यार, डोंट वरी अबाउट इट। तुमने ये अच्छा नहीं किया मंजरी। पर क्यों? मैं तुम्हें उस जेल के अंदर एक पल भी नहीं देख सकती थी। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे कि जिन्हें हम जानते नहीं उनसे इतना बड़ा फेवर नहीं लेना चाहिए। पता नहीं बदले में क्या मांग ले। तुम सही कह रहे हो, मैं एक बहुत बड़ी चीज मांगने वाला हूं आज। एक हैंडशेक, कम ऑन, लेट्स बी फ्रेंड्स यार। जहां तक मुझे याद है तुम दोस्ती में बिलीव नहीं करते। वेल, कहा तो तुमने भी था कि मुझे शायद अच्छे दोस्तों की बहुत ज्यादा जरूरत है। कम ऑन, लेट्स बी फ्रेंड्स। हेलो अक्षय, हमें अभी घर जाना होगा। चलो।
अनुष्का, मेरी बात तो सुनो अनुष्का। बहुत देर हो चुकी है कबीर। अनुष्का प्लीज उसे माफ कर दो, वो पुलिस स्टेशन भी आया था अपना जुर्म कबूल करने। मंजरी अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या डिसीजन लेना है, अब फाइनली समझ में आ गया है। अब मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं हमेशा चाहती थी कि जिंदगी में कोई ऐसा हो जो हर वक्त मेरे साथ खड़ा रहे, जिस पर मैं हमेशा डिपेंड कर सकूं, लेकिन ऐसा कोई मिला ही नहीं। और ऐसे वक्त में मैं अकेले नहीं रहना चाहती, इसलिए मैंने अपने पेरेंट्स को फोन करके सब कुछ बता दिया। इस बच्चे के बारे में, कबीर के हमें छोड़ के चले जाने के बारे में, सब कुछ। इसलिए अब मेरे पेरेंट्स मुझे लेने आ जाएंगे और मैं हमेशा उन्हीं के साथ रहूंगी। मत जाओ अनुष्का, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा, तुम पे भरोसा कर सकती हूँ क्या मैं? कम से कम मेरे माँ बाप मेरे साथ तो रहेंगे, उनका इतना दिल दुखाया मैंने, उन्हें बिना बताए तुम्हारे साथ अकेली रही, फिर भी आज वो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। मानता हूँ अनुष्का कि मैंने तुम्हारा दिल दुखाया, मानता हूँ कि मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, लेकिन इस गलती से मैं सीखा हूँ। मुझे समझ आ गया है कि नेम फेम करियर से बढ़कर भी मेरे लिए कुछ है, तुम्हारा साथ और ये फैमिली जो हम साथ मिलकर बढ़ाएंगे। मत जाओ अनुष्का, मत जाओ। क्या देख रहे हो? ऐसे खड़े क्या हो? सामान तो उठाओ। अरे नई जिंदगी स्टार्ट करने वाले हो, नई फैमिली सेटअप करने वाले हो, और इतना सा काम नहीं कर सकते? देख क्या रहे हो, माफ कर दिया उसने, जाओ। सच अनुष्का? मंजरी I'm sorry, नई जिंदगी की शुरुआत करनी है इसीलिए इस घर को बेचना पड़ रहा है। अब तुम कैसे मैनेज करोगी? इट्स ओके अनुष्का, मैं आज बहुत खुश हूं, तुम बस अपनी जाने की तैयारी करो, घर का क्या है वो तो मैं ढूंढ ही लूंगी। Best of luck. Thanks. Bye. Bye. मंजरी ने सबके सामने कह तो दिया कि वो अपने लिए घर खोज लेगी, पर इतना आसान नहीं है, खासकर कैंटन के सैलरी पे तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वो तो किसी की हेल्प लेने को भी तैयार नहीं है, क्या कर सकता हूं मैं? ये इश्क है, ये इश्क है।